नमस्कार, मैं हूं अमन पिलानिया। लगातार आपको अहलाबाद की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। क्या है उनके गांव का माहौल, क्या है अहलाबाद का माहौल, कौन है अहलाबाद की पसंद? फिलहाल हम जोगी वाला गांव में है, जो राजस्थान और हरियाणा का आखिरी गाँव है, पूरे बॉर्डर पर गाँव है ये। अभी यहाँ पर जो बुजुर्ग है उनसे जानेंगे इनके गाँव का माहौल, चुनाव का माहौल। राम राम जी। राम राम। और ठीक हो? बिल्कुल। गाँव में कितने वोट अताऊ जी? वोट तो गांव में मैदान में 1900 होगा। 2400। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? मैंने तो नहीं लगा जाने लगी, यो कांडो जीते को गांव में थे। हाँ, कांडो जीते को। और पार्टियों का क्या माहौल है गांव में? और माहौल देखो जी, तो देखो तुरते ताई गया कोनी चौक तन कहे के बजो बाबा होटल खोल रखी है टोटल है। अब देखा सीओ जी मामे तो बड़े मत गए कौन तुरते ताई पर जी मान दे। अभी आप भी खान दे कि में है? आप भी जी मान दे। अरे अब तो हां फिर खाया हुआ। अरे नहीं खाता आओ ना, खूब दो बार खाइए हो दो बे मैं मैंने कहो कहता ना कि कहां लेता दूंगा। हां लेता दी मो। राम राम ताऊ। राम राम। क्या माहौल लगा गांव में? कौन जीतेगा गांव से भाई? के बोलता भाई वे का गोल वर थोड़ा। अच्छा आप मेरा ही लग रहे हैं? मेरा नहीं लागे पहले कौन जीता था? कंडन भाई, कंडन। हाँ जी कंडन देंगे कंडन। पहले गांव से कौन जीता था है? पहले ये अभय सिंह। अभय सिंह। अच्छा अब की बार कांडे को जिताओगे? कंडन जीता वहाँ। अच्छा कांग्रेस का क्या माहौल है? कांग्रेस का माहौल खराब। खिंडा दी आपका बेईमानो मर्गी, आप ही मर्गी। कांग्रेस को कैंडिडेट कौन ही? तीन पास से तो बदल रखे आंगा पासा बदले बगे ना भैया। अपने अपने आइए अपने बासगा को मार रहे हैं चुपची कांग्रेस। हां जी आपको क्या कहना है? ठीक है जी। कौन जीतेगा गांव से? जीत को दिवागा ओके पता लागे पर ये टाइम माल बणयो को नहीं सही। अच्छा माल बणया नहीं? बणया नहीं। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या माहौल लग रहा है गांव से? माहौल तो भाई यही लागे ठीक है, भीड़ तो इकट्ठी हुई है, आवे वे सारंग ही भीड़ इकट्ठी हुई वो तो नतीजवान पर गिर पटे। अच्छा किसी का पलड़ा भारी अभी पता नहीं चल रहा? पलड़ा तो भारी कांडा भाई। हां ताऊ कांडा को। अच्छा ताऊ कांडा जीता होगा? नहीं मैं कांडा कौन जीता हूं, मैं तो दूंगा नौकदन में वोट। अच्छा मैं तू मैं तनखा बांधी है। अच्छा मैं बाकी जो माहौल है ना वो कांडा को ही है। तू माया है वहां पर चांदना है। कांडो काट दे वो। हां भाई भीड़ को देखते हो कांडा जीत रहा है गांव से, क्योंकि जब दो बार आए हैं दो बार सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी की है, युवा बुढ़े बुजुर्ग और नौजवान युवा फिर साथ में सरकार का साथ है ना, सरकार में साझेदारी के लिए भी बहुत से लोग नए जुड़े हैं उस पार्टी से की बार। अच्छा लोगों का मन है सरकार में हिस्सेदारी डालने का? हाँ जो पहले पीछे मतलब अभय सिंह चौटाला को वोट देते थे उनमें से काफी वोट उधर गए हैं, गोपाल कांडा की तरफ है, भरत सिंह वाले भी बहुत सारे गए हैं, पवन बेनीवाल बहुत सारे, मतलब ये मान लो कि 50% हिस्सेदारी अकेला। अच्छा, गांव में समस्या क्या है? जैसे बॉर्डर का गांव है, जितने भी गांव है सभी में कुछ ना कुछ समस्या मिलती है आपके गांव? समस्या तो यही है कि यहाँ पे एक बस की बहुत बड़ी समस्या है, मतलब बस ना तो इधर राजस्थान से अटैच फतेहवाज बादरा बस है कौन लगा हमारा रोड पक्को मरने है और फतेहवाज बादरा जो रोड लाग जाए हमारी समस्या सारी हल हो जा, एक बस लाग जाए तो। अच्छा पीने का पानी ठीक है यहाँ पे? पानी तो ठीक है, पानी बाटर मारो चोटा हाथ लगा दियो ठीक है। अच्छा बस की सुविधा नहीं है? हाँ या बस की सुविधा नहीं है, मैं दो कोस नाका जाके चढ़ा। गोपाल कांडा आ लिया गांव में? हाँ दो बार आ लियो। उनसे मांग रखी है गांव वालों ने बस है? हाँ। बस तो मैं मांगू और तो कोई मांगा ही कोई, और तो कहे ना लगाओ। मांग रखी है उनसे बहुत। अच्छा अकेले आप मांग रहे हो बस? मैं अकेलो ही हूँ, मैं यूं रहा फतेहवाज लगा दो बादरा फतेहवाज कामयाब हो जाएगी और पक्को रोड है फिर तई अठा मारे फिर पार हो जाऊँ मैं, क्यों फतेहवाज का बग जाऊँ बादरा का बग जाऊँ मानो और कर दे बस बिखरना जगह यही है। हाँ जी राम राम जी। राम राम। क्या माहौल लग रहा है गांव का? माहौल ठीक है, अच्छा है जी। किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा भारी तो गोपाल कांडा का ही है जी। अच्छा जी गोपाल कांडा का। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या माहौल लग रहा है गांव का? माहौल बढ़िया लग रहा है। अच्छा किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? अभी तक तो किसी का नहीं है। तो साथियों इन लोगों से बात की, कुछ लोगों से और बात करते हैं, दूसरे जो गांव है ये जोगीराम है। हाँ जीता हूँ सारो गांव वोट दे दो। अच्छा
बस लगा दे वायदा किया उन्होंने। हाँ, दो तारीख को लिस्ट लेके आ जाना, जो भी गांव में समस्या है और दो तारीख को रिजल्ट आने के बाद है अपनी लिस्ट लेके आ जाना और 30 तारीख से पहले पहले सारी समस्याएं दूर होंगी, लिखित में देके गया है मतलब। और इतना भी बोला है कि जितना पैसा 70 साल में लगा है उससे ज्यादा 3 साल में लगेगा, ये भी हिसाब लगा लेना। ये बस या बस वाला नहीं, यो तो ठेका रिपोर्ट कह दिए बोले कभी बादलों बस फतेहाबाद जागी। फतेहाबाद क्या है, कोई रिश्तेदारी है क्या वो आपकी? नहीं, रिश्तेदारी मतलब कौन है? ससुराल है क्या आपकी? शहर है वो। अच्छा, बादला और फतेहाबाद के बीच में जो मतलब समस्या है नहीं, यह बताऊं मैं कभी, यह समस्या हमारे गाँव में बहुत तकड़ी है। और रोड पक्का छेड़ता ही कोई वाई बात पर, कोई रोड की अड़कांस हो कच्चो हो ना, रोड पक्को बने छेड़ता ही। अब उम्मीद है कहीं ना कहीं मतलब ये समस्या दूर होगी। मना तो नहीं लगा जाऊँ, ये कांडो ही कर सके और तो कोई कर को सके नहीं, यह समस्या तो बदलाव जरूरी है। बदलाव तो साथियों, जोगीराम जोगीवाला गांव, सॉरी जोगीवाला गांव में आए हुए हैं, यहां पर इन बुजुर्गों से बात करी, युवाओं से बात करी। कोशिश करेंगे गांव के दूसरे हिस्से में बात करें, क्योंकि गांव का समय है, सभी खेतों में निकल जाते हैं और शाम के समय घर पे आते हैं। गांव में आदमी मिलना बहुत ही मुश्किल है, बुजुर्ग मिलते हैं, युवा मिलते हैं, तो गांव के दूसरे हिस्से में जाते हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो साथियों, जो जोगीवाला गांव का मेन चौक है वहां पर आ चुके हैं, यहां पर शादी का माहौल है, यहां पर बुजुर्ग भी इकट्ठा हुए हैं, तो सभी जो परिवार वाले हैं गांव वाले इकट्ठा हुए हैं, हमें भी मौका मिल गया, यहां से बात करते हैं क्या है इनके गांव का माहौल, क्या है अहलाबाद का माहौल, एक एक करके सभी से बात करने की कोशिश करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। गाँव में कुल वोट कितने हैं? 2400। क्या माहौल है, किसका पलड़ा भाई? अभय सिंह एक तरफा ही है, कोई टक्करी नहीं है। गांव में समस्या है क्या क्या? हर गांव में जाते समस्या भी पूछते हैं। समस्या खाड़ा ही है, दो तीन में एक मैनियर है, एक खाड़ो है, जमा टूटे पड़े पानी, अब तक 3 बार टूटा है। अच्छा, दूसरी क्या माहौल लगता है दूसरी पार्टी का? दूसरी पवनो है टक्कर। अंडा का क्या माहौल? अंडा कोई माहौल को नहीं, नहीं हवा में नहीं है बस। राम राम। तब किसका पलड़ा भारी लगा? अभय सिंह हुई है। सभी अभय सिंह के समर्थक हैं या अलग अलग भी हैं? राम राम जी। अभय सिंह। अभय सिंह हाँ जी। राम राम जी। राम राम। किसका पलड़ा भाई? सिंह ही है, औरत तो जो। राम राम। राम राम जी। सभी का एक ही समर्थक है। हाँ जी, हम कुमारिया से हैं, कांग्रेस का है। अच्छा, नहीं पवन बनीवाल जीते। हाँ जी। हाँ जी, आपका? मैं राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान से। राम राम। ताऊ। राम राम। राम। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? कांग्रेस भी लगे मान लो, कांग्रेस ने वोट दिया। अच्छा। कांग्रेस में बस दे बात कांग्रेस। राम राम जी। राम राम। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अभय सिंह है। अभय सिंह। हां जी, किसका पलड़ा भारी? अभय सिंह। हां जी, मैंने पूछो मत बता दिया। राम राम। कांग्रेस का भारी। क्या माहौल लग रहा गांव का? माहौल भी सी बात है जी, सारी पार्टियां ने वोट मिल लेना, एक तरफ तो कोई है ही कौन, कहीं थोड़ा ज्यादा मिल जाए, कहीं कम मिल जाए। राम राम। राम राम। क्या माहौल लग रहा है गांव? मानता सिंह ही लगे कम में तो। अच्छा, आगे वोट गिने बिरो पड़ेगा, गम को माहौल ही लगे। तो साथियों, यहां पर बुजुर्गों से बात की, दूसरे हिस्से में बात की थी पहले, उन्होंने भी अपने विचार रखे किसका समर्थन करेंगे या किसका पलड़ा भारी लग रहा है गाँव में या अहलाबाद में। फिलहाल यहाँ पर बात की, शादी का माहौल था, यहाँ पर परिवार के गांव के बुजुर्ग इकट्ठा थे, युवा इकट्ठा थे, इन्होंने अपने विचार रखे। ज़्यादातर समर्थक अभय के समर्थक मिले, यहाँ पर कांग्रेस के समर्थक मिले, सभी ने अपने विचार रखे। कुछ लोगों का कहना है कि आप गांव में 2 या 4 व्यक्तियों से बात करते हैं, हमारी हर वीडियो में कहते हैं आप 2-4 व्यक्तियों से बात करते हैं। तो साथियों, जो अहलाबाद इलाका है, यहाँ पर बाड़ी की खेती होती है, यहाँ पर सुबह ही खेतों में निकल जाते हैं लोग और शाम के वक्त आते हैं 7 या 8 बजे के करीब। यहाँ पर आदमी मिलना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पर चौक होता है, हर गांव में चौक होता है, उस चौक पे ही मिलते हैं बुजुर्ग। यहाँ पर युवा मिलना बहुत ही मुश्किल है, जो मिलते हैं वो विचार रखने से डरते हैं, तो हमें जितने भी मिलते हैं हम कोशिश करते हैं उन्हीं के विचार लें। हम निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं, ये नहीं कि किसी पार्टी का वो कर रहे हैं, जो मिलता है, जो विचार मिलते हैं वही हम आपको दिखा देते हैं, हमारे एपिसोड के तहत वही अपलोड कर देते हैं। तो साथियों, फिलहाल जोगीवाला गांव में थे, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जोगीवाला से अपने सहयोगी के साथ मैं मन पिलानिया।